इस जगह पर आना बनता है, बिल्कुल आना बनता है। जस्ट लुक हाउ वंडरफुल दिस इज। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक बहुत ही एक्साइटिंग जगह पर, इंडिया की सबसे बड़ी सी एक्वेरियम म्यूजियम मरीन वर्ल्ड, जो कि है पंजवाड़ी नाम की एक जगह पर केरला के अंदर। अब ये एग्जैक्टली कहाँ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, लेकिन अंदर जाके बहुत मज़ा आने वाला है और अलग ही चीज़ें दिखने वाली है, जैसे मैंने दुबई एक्वेरियम में देखी थी। मुझे कैसे पता अंदर क्या है? थोड़ी सी चीटिंग की है मैंने, ऑलरेडी मैं अंदर जाके आ चुका हूँ एंड देख चुका हूँ क्या अमेजिंग चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ये एक्सक्लूसिव जगह जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्यों अभी तक पॉपुलर नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अब पॉपुलर हो जाएगी क्योंकि आप इसको देखकर, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, इस वीडियो को शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ और प्लान करोगे यहाँ पर आने का। ओके, तो हम यहाँ पर अभी अंदर एंटर करने वाले हैं मरीन वर्ल्ड में। मुझे टिकट खरीद लिया मैंने, 350 रुपये लगे, अडल्ट के 350 है, चिल्ड्रन के 250 है, यानी कि 10 साल तक के अगर आप बच्चे हो तो 250 एंड सीनियर सिटीजन हो 50 एंड अबाव तो 300 रुपये। तो थोड़ा सा महंगा ज़रूर लग रहा है मुझे, बट अंडरग्राउंड है अपेरेंटली पूरा एंड अलग अलग थीम है। तो यहाँ से हम एंटर करेंगे, ये पूरा मुझे पैम्फलेट मिला है, ब्रोशर दिया गया है जिसमें आप पढ़ के समझ सकते हो कि अलग अलग क्या क्या चीज़ें हैं, बट नाउ लेट्स क्विकली गेट इन। तो अभी अभी पीछे से हम एंटर किए हैं एंड एंटर करते हैं। आई वॉज टेलिंग यू 350 रुपीज़ माइट बी अ लिटिल हाई, बट यहाँ पर फिश पा हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट एंटर करते ही, एंड इट इज़ सो स्कैरी है। पहली बार कर रहा हूँ मैं फिश पा, नीचे आप देख सकते हो लोग बैठे हैं, तो पैसा तो वसूल इमीडिएटली हो गया है अगर आप उस हिसाब से देख रहे हो, बट दिस इज, आई डोंट नो, दिस इज टिकलिंग, दिस इज इरिटेटिंग, दिस इज अनोइंग, दिस इज डिफिकल्ट, बट दिस इज फन। अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो मछलियाँ खा रही है मेरे पैर को। आई डोंट नो, आपने कभी फिश पा करवाया है क्या? कॉमेंट करके मुझे बताओ आपका एक्सपीरियंस, बट दिस इज रियली अजीब सा लग रहा है मेरे को। ऑलराइट, तो हम अपने स्पा से निकल चुके हैं, फिश स्पा से, और यहाँ पर अब अलग अलग केव्स है जहाँ पर अलग अलग थीम रहेगा। ये पेंगुइन थीम की जगह है, असली पेंगुइन्स नहीं है यहाँ पर, डोंट वरी, बिकॉज दे वुड बी टोटली आउट ऑफ देयर हैबिटेट, बट ठंडा है एकदम एंड यू फील लाइक यू हैव कम इन टू अ स्नो पार्क काइंड ऑफ अ थिंग। ऐसे ही बहुत सारे थीम्स है, बहुत सारे केव्स है जो हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा मुंह बना हुआ है, लुक्स लाइक शार्क माउथ, लेट्स गो एंड सी। तो यहाँ पर हम आगे मूव कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो छोटे छोटे टर्टल्स। अब हम जा रहे हैं रेन फॉरेस्ट थीम की जगह पर, यहाँ पे आप देखो डायनासोर्स बने हुए हैं, डायनासोर्स का फॉसिल है बेसिकली। नाउ वाओ, दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर आप देख रहे हो रेन फॉरेस्ट एंटर करने वाले हैं, यहाँ से आए हैं, दिस इज मैग्निफिसेंट। और स्टार्टिंग से ही अलग अलग थीम्स के बनाए हुए, दिस इज द लार्जेस्ट एक्वेरियम इन इंडिया, सो आई एम श्योर और भी वंडरफुल चीज़ें आने वाली आगे जाके। सो नाउ लेट्स एंटर द रेन फॉरेस्ट। वाओ, जंगल, सो ब्यूटीफुल, अच्छा बनाया है। छोटा छोटा स्पेस है यहाँ पर, लेकिन इट्स बीन यूटिलाइज वेरी वेल, एंड सब जगह फिशेज है बिकॉज इट्स एन एक्वेरियम। यहाँ पर भी पानी में नीचे आप फिशेज देख सकते हो, ये देखिए बड़े बड़े फिशेज है नीचे, दे आर स्विमिंग, बट वहाँ पर जंगल में टाइगर है, डियर है, एंड एकदम एक ही ये पूरा बनाया गया है, बहुत सुंदर यार। तो इस रेन फॉरेस्ट में ये बड़ी बड़ी फिशेज भी है, आई थिंक कैटफिश टाइप दिख रही है, पहले लगा ये क्रोकोडाइल वोकोडाइल तो नहीं है, थोड़ा सा डर ज़रूर लगा, बट बड़ी बड़ी दो मछलियाँ यहाँ पर रख के रखी है इन्होंने जो बहुत ही खतरनाक दिख रही है। ऑलराइट, तो ये हो गया पूरा रेन फॉरेस्ट, छोटा सा जगह है बट इट इज़ वेरी सूदिंग, काफ़ी सारे फोटोज़ आप ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और अगला केव एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर आप देखो, हम ऊपर रेन फॉरेस्ट से नीचे आने के बाद ये कलरफुल छोटे छोटे ग्लासेस है, अंदर एक 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 छोटी छोटी कुछ फिश या कुछ वैरायटी है सी मरीन लाइफ की। ये देखिए एक छोटी सी फिश यहाँ पर वाइट, ऑल दो आई फील रियली सैड कि इनको अपने नेचुरल हैबिटेट से निकाल के यहाँ पर डाल दिया गया है। ऑफकोर्स दे विल बी सेफ ओवर हियर, नहीं तो कहीं ना कहीं प्रे बन जाते किसी का। बट यहाँ पर आप देखो कलरफुल, यहाँ पर स्टार फिश चिपकी हुई है, ये रही स्टार फिश, और यहाँ पर स्टार फिश लेटी हुई है, और ये पता नहीं कौन सी अजीब सी फिश है, बार्ड सोप इज वॉट इट्स नेम सीम्स टू बी, पॉक्यूपाइन फिश, या शायद वो पॉक्यूपाइन फिश होगी। अलग अलग टाइप की मछलियाँ हैं यहाँ पर, और कलरफुल कलरफुल ग्लासेस रखी गई है ताकि आप लोग को विजुअली भी बहुत अट्रैक्टिव लगे। ये जगह आप बच्चों के साथ आते हो तो और भी ज़बरदस्त लगेगा आप लोगों को, क्योंकि बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर पाएंगे, दे विल ऑल्सो बी एबल टू लर्न अ लॉट अबाउट एक्वेटिक लाइफ। धीरे धीरे आराम से अगर आप एक्सप्लोर करो इस जगह को तो बड़ा मज़ा आएगा, और अलग अलग टाइप की फिशेज है, और जो बनाया गया है कंस्ट्रक्शन जो है वो भी बहुत अच्छे से किया गया है, ऐसा लगता है कि आप ओशन में ही चल रहे हो। यहाँ पर भी आइए देखो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, आई थिंक आई हैव बीन टू सी एक्वेरियम्स इन जर्मनी एंड इन स्विट्जरलैंड, उसी टाइप के हैं ये, उसी कंपैरिजन में है ये भी। ये ईल है,
Wow, so beautiful. Yeah. Just look at its patterns and it's opening its mouth. एंड आँख दिख रही है एंड उसका जो गिल है वो भी दिख रहा है जहाँ से वो सांस ले रही है. पीछे एक होल है बीच में बॉडी के. एंड जस्ट लुक एट द स्ट्राइप्स, जस्ट लुक एट हाउ वेल इट हैज बीन डिजाइंड. तो यहाँ देखो आपको थोड़े छोटे छोटे स्टिंग रेस दिख रहे हैं और ये देखो एक बेबी शार्क टाइप लग रहा है यार. ये इज द शार्क एंड वहाँ पर अपने बच्चे को स्विमिंग सिखा रही है शार्क. इट्स सो ब्यूटिफुल. लेकिन अंदर काफ़ी सारे स्टिंग रेस दिख रहे हैं एंड ये आई थिंक दीज आर बेबी शार्क्स बट फॉर श्योर दे लुक. यहाँ पर नाम नहीं दिख रहा है इनका बट दी सीम टू बी दैट. वो देखिए वो वापस आ गई, अपने बेबी को स्विमिंग सिखा रही है वो. लेट मी जस्ट ट्राई टू जूम इन, जस्ट सी द बेबी ऑन इट्स बैक. ये देखो वाओ, ये देखो यार, ये जबरदस्त सी फिश दिख रही है, एकदम लद्दू जैसी फिश. अरे रे 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 रे, शाबाश. गोल गोल राउंड मार रही है, उल्टी भी हो रही थी, गुल्टियाँ खा रही है एंड थोड़े कारनामे कर रही है ये फिश. तो यहाँ पर देखो वैरायटी वैरायटी की फैंसी फिशेस है. मूरिश आइडल, पजामा एंड कार्डिनल फिश. अब ये तो पता नहीं कौन सी वाली है, लेकिन ये देखो कितनी ब्यूटीफुल फिश है. ऑल दीज आर फ्रॉम पैसिफिक ओशन एंड एवरी फिश इज जस्ट स्टैंडिंग स्टेशनरी, कोई हिल नहीं रहा है. पता नहीं क्या कर रहे, एक्सेप्ट फॉर दिस बिग वन नथिंग एल्स इज मूविंग. यहाँ पर देखो अलग टाइप की स्टिंगरे है ये, बड़ी कलरफुल पैटर्न पैटर्न वाली है. यहाँ पर आप फीडिंग भी कर सकते हो. वहाँ देखो वो लोग फीड कर रहे हैं आपका हाथ अंदर डलवा के. 30 rupees, नॉट एक्सपेंसिव बट आई डोंट वॉन्ट टू ट्राई इट, आई डोंट वॉन्ट टू फीड एनी बडी. बट इनका पैटर्न देखो यार, इट्स सो इंटरेस्टिंग. और ये यहाँ पर और सी क्यूट सी फिशेज है, चिटर पुटर वाली, छोटी 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 छोटी. जिस जिसको फिश पसंद है, खाना नहीं देखना या समझना, उनके लिए ज़बरदस्त है. तो आई वॉज वेटिंग टू कम ओवर हियर. ये इस जगह का सबसे अच्छा अट्रैक्शन है. ओ माई गॉड, मेरे पीछे आप फिश देख सकते हो. सो दिस इज अ कम्प्लीट पैनोरमिक व्यू दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर. एंड दुबई एक्वेरियम गया था मैं, दुबई सी वर्ल्ड, दिस इज वॉट वी हैड इन दुबई सी वर्ल्ड. उसमें शार्क जा रही थी, लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ी सारी मछली है. इतनी बड़ी मछली है ये, दिस इज सो ब्यूटिफुल. इंडिया में ऐसी जगह है, आई डिडंट इवन नो, आई डिडंट इवन रियलाइज, बट हियर इट इज एंड आई एम शोइंग इट टू यू ऑन दिस चैनल. तो लाइक ठोक दो यार, इस जगह पर आना बनता है, बिल्कुल आना बनता है. जस्ट लुक हाउ वंडरफुल दिस इज. एंड कहीं जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए, आपको अपने ही घर में है ये. यहाँ तो यार आधा एक घंटा बिताने वाला हूँ मैं. कितनी बड़ी है यार, साइज दिख रहा है आप लोगों को, इतनी इतनी आई थिंक मुझसे लंबी होगी. इफ आई स्टैंड इट स्ट्रेट, इफ इट स्टैंड स्ट्रेट. और यहाँ पर अंदर क्लीनिंग चल रही है, बहुत सीरियसली बंदा क्लीन कर रहा है. दुबई एक्वेरियम में यू कैन एक्चुअली स्विम विद द शार्क्स. यहाँ पर आप ऑफकोर्स वो नहीं कर सकते, छोटा सा पूल है ये, बट ये क्लीनिंग करते हुए हम वी कुड सी. यहाँ पर देखिए अब दो दो बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पे, एक के पीछे एक. सच एन अट्रैक्शन. यहाँ मछलियाँ तो है, लेकिन आप थीम देखिए कितना खूबसूरत है. इट्स लाइक अ टेम्पल थीम एंड दो नंदी भगवान यहाँ पर है. So it makes it look so unique. तो यहाँ पर भी देखिए एक और बड़ा एक्वेरियम है एंड इट लुक्स एज इफ कि एक टेम्पल सबमर्ज हो गया है पानी के नीचे. यहाँ पर दो लायंस है एंड वहाँ पर एक मूर्ति है भगवान की. सो इट्स बीन क्रिएटेड, यू नो, द्वारका नगरी, मे बी यू कैन इमेजिन इन योर माइंड, इट्स बीन क्रिएटेड लाइक दैट. एंड ऊपर से लाइट आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि यार आप सच में अंडर वाटर हो और आप एक्सकवेशन या वो एक्सप्लोरेशन कर रहे हो. आपने अमेजिंग डोम स्ट्रक्चर देखा पीछे एंड यहाँ पर भी आपने ये देखे अलग अलग टाइप के एक्वेरियम्स बने हुए हैं. अब हमारा जो ट्रिप है वो का पूरा एंड हो रहा है एंड आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक मिस्टर सुनील हु हैज गॉट अस टू दिस वंडरफुल प्लेस, बिकॉज आई जस्ट कुडंट इमेजिन कि इंडिया के ऐसी जगह पर, इतनी रिमोट जगह पर, केरला में इंडिया का लार्जेस्ट म्यूजियम बना हुआ है और वो भी इतना वंडरफुल. उस तरफ फिश फीडिंग भी होती है एंड बहुत सारे एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए. ठीक आगे ही बीच भी है जो कि एकदम नॉन कमर्शियल प्राइवेट टाइप बीच है ऑलमोस्ट. तो यू विल रियली एन्जॉय कमिंग ओवर हियर अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ भी आते हो. बट दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस एंड आई एम सो शॉक्ड कि मुझे अभी तक ये पता नहीं था, लेकिन अब मुझे भी पता चल गया और आपको भी इस वीडियो के थ्रू पता चल गया है. तो यहाँ का प्लान बनाइए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे डिटेल्स डाल देता हूँ मैं कि कैसे यहाँ पर पहुँचना है, क्या जगह है, वॉट इज़ द बेस्ट वे टू रीच, ट्रेन प्लेन सब कुछ बता दूंगा आप लोगों को. तो आप लोग आराम से प्लान कर पाओगे. सिर्फ यही जगह देखने के लिए नहीं, और भी मैं जो इस एरिया में छोटे छोटे लेकिन बहुत अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स है, नॉन कमर्शियल, ज़्यादा रश नहीं है, आप लोगों के लिए क्यूरेट कर रहा हूँ इस चैनल पर. तो वीडियो आते रहेगी तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दो. इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा.
लेकिन और वीडियोस भी मैं बना रहा हूँ इस पूरे एरिया की। एक विलेज टूर पे हूँ मैं, एक रियल विलेज लाइफ देखना और एक्सपीरियंस करना, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मुझे, कुछ भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट करके पूछना। एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम, आपको पता है ना क्या करना है, कीप ट्रैवलिंग।